हेलो दोस्तों, बेरोजगार रहने से अच्छा है कि कुछ कर लें। ये कहना है बिहार की राजधानी के पटना बीएमएमएस कॉलेज के बाहर कुछ दिनों पहले टी स्टॉल खोलने वाली प्रियंका गुप्ता का। प्रियंका गुप्ता पुणिया की रहने वाली है। उन्होंने 2019 में इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया था। 2 साल तक जॉब की तैयारी की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे में अब उन्होंने पटना बीएमएमएस कॉलेज के बाहर टी स्टॉल शुरू किया है। प्रियंका कहना है कि जब चाय वाला हो सकता है तो चाय वाली क्यों नहीं। प्रियंका कहते हैं कि उन्होंने 2019 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ऑनर किया था, फिर 2 साल सरकारी नौकरी की तैयारी की। कई बार प्रियंका का बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन बहुत कम मार्क्स से रह गया, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि कब तक बेरोजगार रहा जाए, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर ले। यहीं से उन्हें अपना बिजनेस करने का आइडिया आया। प्रियंका गुप्ता कहना है कि उन्होंने इस बारे में परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं दी। मैंने पापा को बोला था कि मैं पटना बैंकिंग तैयारी करने के लिए जा रही हूँ, फिर पटना आकर 2 महीने मार्केट रिसर्च करने के बाद बिजनेस प्लान तैयार किया। प्रियंका कहती है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वह बैंक के पास लोन लेने के लिए गई थी, लेकिन बैंक ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह लोकल नहीं है। प्रियंका ने कई बैंकों के चक्कर लगाए लेकिन उन्हें लोन नहीं मिला। 11 अप्रैल 2022 से प्रियंका ने पटना बिजनेस कॉलेज के बाहर चाय स्टॉल लगाना शुरू किया। वह कहती है कि कई दिनों तक मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कहाँ स्टॉल लगाया जाए। फिर मैंने देखा कि कॉलेज में हर रोज़ सैकड़ों लड़कियाँ क्लास के लिए आती हैं, इलाका भी भीड़ भाड़ वाला है, तो बिजनेस चलेगा। जब प्रियंका को यह आइडिया आया तो उन्होंने MBA चावला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लोर के कई सारे वीडियोज़ देखे। फिर उन्होंने पटना के अलग अलग इलाके में चाय के स्टॉल की वर्किंग देखी। प्रियंका ने खुद को MBA स्टूडेंट बताकर चाय दुकानदारों से और ग्राहकों से बातचीत की। प्रियंका का कहना है कि बड़ा बिजनेस करने के लिए हमारे पास बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है, लेकिन चाय एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम कम लागत में अच्छी कमाई कर सकते हैं। यही सोचकर मैंने स्टॉल लगाया। प्रियंका ने बताया कि अभी हम 4 प्रकार की चाय बनाते हैं, मसाला चाय, अदरक वाली चाय, चॉकलेट चाय और पान चाय।